अहे गुरु साहेब जियो जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे दया करो किस मेहर उपाव हो डुबदे पत्थर तारे जी आड़ा अग्न बराबर तपे पीतर व गय काती प्रणवत नानक हुकम पशाण सुख होवे दिन राती कहाँ बोध प्राप्त तुच्छ हमारी वर्णन सके महिमा जो तिहारी हम न सकत कार सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम न सकत कार सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी परम सम्मान योग तख्त चावर शतर दे मालिक दो जहान वाली कुल आलम सुल्तान पातशाह धन धन श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जियो महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र गुरधाम विखे अमृत वेले दे दीवाना दी हाजरी भर रहे गुरु जस सरवण कर रहे गुरु खालसा साध संगत जियो वड भागे हो जो नेता प्रति नेम प्रेम अनुसार हाजरियां भर दे सच्चे पातशाह जी दियां खुशियां प्राप्त कर दे मस्या दिहाड़े दियां हाजरियां भर रहे हो सतगुरु कृपा करन सबना दे घर परिवार सुख शांति चढ़दिया कलां दियां दातां बख्शन गुरु फतेह नाल सांझ पाईए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले तो हजूर ने गुरबाणी दे परवाहां दी बख्शिश कीती है अमृत वेले मुख वाक दे रूप विच नित दे नेम रूप विच आसा जी दी वार दे कीर्तन जस रूप विच उपरंत जो हजूर ने परमात्मा दी सिफत विचार कथा बाबत जो समा बख्शी है हजूर वल्लों बख्शे समय दी संभाल करिए अमृत वेले पातशाह ने धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज वैराग अर त्याग दी मूरत पातशाह ने अलाही हुक्म जो बख्शी है उदियां दो पंक्तियां दी ही आपां विचार करनी है
सिर्फ दो पंक्तियां दे विच समुचा जीवन समोया पिया है सिख दा। धर्मी कहाउण वाले दा जां इह वी कह सकदे आं कि मनुख नूं मनुखता बनाउण वाला जीवन उहदे विच समोया पिया है। भी कित्थों तक मनुख दी सोच होई खड़ोती है, कित्थों तक इहदा संसार विच रहण होया खड़ोता है, की इहदा जीवन आचरण बनिया है पातशाह ने उहदे अंदर फरमाया। हजूर दे पावन बोल हन, मन रे कौन कमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नह कीनी। कि ऐ भाई जना, वेखो गुरु साहब जी तो वड़ा कौन उपदेशक हो सकता है। जो ये पातशाह ने पावन हुक्म बख्शिया है ना, इहदे विच जिहड़ा मन नूं संबोधन है ना, ये उत्तम बक्ते दी निशानी है। जिहड़े उत्तम बक्ते होया करदे ने ओह किसे दा नाम नहीं लैंदे जी। ओह मन द्वारा एक संकेत द्वारा संपूर्ण दुनिया नूं ये कह दईए कुजे विच समुंदर बंद करके दे देंदे ने। हुण वेखो दो पंक्तियां विच सारे जीवन दा हाल है। मन रे ऐ भाई जना, कौन कुमत तै लीनी, वो तेनू ते परमात्मा ने मनुख बनाया सी, इन्नी कु उत्तम जूनी मनुख बनाया कि अवर जोन तेरी पनहारी, इस दुनिया मैं तेरी सिकदारी, होर जूना पैर दी जुत्ती वर्गियां बनाईया ने, वड़े वड़े वड अकारी शरीर हाथी भी बंदे दे काबू विच आउंदा है, जंगल दा राजा बब्बर शेर भी मनुख दे मूहरे नचदा फिरदा है जी। इन्नी कु उत्तम जूनी बनाई है भी, सब जूनियां इहदे हुक्म विच ने, पर इहनू की होया है, इन्नी महान जूनी मिलके जो कर्म करना सी परमेश्वर दी बंदगी दा, ओह ते इन्हें विसारी दिता जी। हजूर फरमाउंदे ने, भाई कौन को मत तै लीनी है, किहदे पासों तू खोटी मत धार ली है, तेनू ते इस वास्ते जन्म ही नहीं सी दिता, ना तेनू एक कर्म दिता सी, तेनू ते मनुख बनाया सी, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। तेनू ते भाई मनुख बनाया सी कि उस गोबिंद परमात्मा दे नाल तेरा मिलाप हो सके, तू वाहिगुरु नू याद करें, तेरा इस संसार समुंदर विच रहिंदिआं परमात्मा दे नाल मेल हो जावे। पर तू केड़ी मत लई फिरदा, वह केड़ी मत लई है, पातशाह ये भी फरमा रहे ने, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नह कीनी। जो सारियां विच रमिया होया राम रूप परमात्मा है, ओदी भगती ही विसार दिती है। ते कर्म की करदा है, हजूर दे सिद्धे शब्द ने, पर दारा
दारा कहते ने इस्त्री नू, पर कहते ने पराई नू। पराईयां इस्त्रियां नू माड़ी दृष्टि दे नाल तकदा जी। ये मैं नहीं कह रहा, धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज कह रहे ने अज दे पावन हुक्म विच भी भाई आ तेरा जीवन बनिया फिरदा है, तेरे नेत्रां दे विच पार रूप नू बड़ी मलीन ताई दे नाल तकिया जांदा है। जे बिल्कुल सच किया जावे ते बहुत थोड़े शख्सीतां हुंदियां ने जिहड़ियां पराए रूप नू सन्मान दिंदियां ने। ओह किहड़ियां हुंदियां ने? जिहड़ियां गुरु दे उपदेश पर चलदियां ने। हुण सतगुरु जी ने सिख दा जीवन इसे करके ते उत्तम बनाया भाई। एवें नहीं गुरु नानक साहब ने सिखी दी घाड़त घड़ी, एवें नहीं दसे पातशाहियां ने सिख दा जीवन सवारिया। गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं ते आनंदपुर दे विच खालसे ने बेनती कीती सी, महाराज साडी एक बेनती प्रवान करो खां। हजूर कहन लगे दसो खालसा जी, सच्चे पातशाह तुसी सानू अमृत दी दात बख्शी है, तुसी सानू शस्त्र बख्शे ने, सानू जंग करन दा तरीका दिता है, दुनिया दी हर एक खुशी आपदे खालसे नू देंदे हो। फिर सच्चे पातशाह जदों तुहाडा खालसा मैदाने जंग विच चढ़दा है उस वक्त तुसी ए क्यों हुक्म कीता है कि वैरी दी मां भैण नूं चुक के नहीं लियाउणा? महाराज दुनिया दीआं सारीआं फौजां ते इस तरह ही करदीआं ने, जदों कोई वैरी ते हमला करदा है वैरी भज जे, वैरी मारिया जावे, वैरी दौड़ जे, फिर उहदा सारा कुछ लुट लिया जांदा है। उस लुट दे विच जी उहनां दीआं बहू बेटियां भी चुक लैंदे ने। महाराज तुसीं खालसे नूं इस पक्खों क्यों रोकिया? सतगुरु जी कहन लगे खालसा जी असीं ना तुहानूं अकाल पुरख जी दे हुक्म, अकाल पुरख जी का पुत्र बनाया उन्होंने हुक्म दे नाल। खालसा जी तुहानू असी अकाल पुरख की रजा विच रहन वाला बनाया। हजूर कहन लगे असी नहीं चाहते कि साडे खालसे दे विच कोई ऊनताई आ जावे। खालसा तुरिया फिरदा अकाल पुरख का रूप दिसना चाहिदा। खालसा जी एहो जे कर्म कीतिया नरकां दे गामी होईदा, इसे करके असी अपने पुत्र खालसे नूं नरकां दा गामी नहीं होण देना। ये महाराज दा हुक्म सी सिंघां नूं कि भाई वैरी ते हमला करो, सब कुछ लुटो, जिथे उन्हां दी मां भैण पत आबरू है उथे भाई सत्कार देना। इसे करके ते बाबा बघेल सिंह वर्गे महापुरशां ने कई वार दिल्ली जीती, वह छड़ के भज जांदे जी। दिल्ली दे विच जिथे दसदे ने भी सुप्रीम कोर्ट बनी है ना, उहदा पहला नाम तीस हजारी भी है। वो तीह हजारी का नाम अर्थ ये जे कि खालसा तीह हजार उत्थे चढ़िया सी, दिल्ली फतेह कर ली सी, वो अगों सब कुछ छड़ के भज गए जी। तो गुरु कलगीधर पातशाह दे खालसे ने उन्हां दियां मावां भैणां बहू बेटियां नूं अपनियां मां भैण धी दे दर्जे नाल नवाजना कीता कि गुरु कलगीधर पातशाह दा हुक्म नहीं है ऐसा करन दा। भी खालसे नूं सच्चे पातशाह ने अकाल पुरख जी दे नाल जोड़िया, माड़े कर्म नाल नहीं जोड़िया।
सतगुरु फरमा रहे ने बंदिया तेनू होया की फिरदा है, तू केड़ी खोटी मत ग्रहण कीती होई है, पारदारा तेरे नेत्र पर रूप वेख के मलीन सोचते ने। निंदिया रस रचियो ते जेड़े तेरे कान ने, जे किते रब दा नाम सुनना पैजे ना इनू फिर बड़ा दलिद्र पैंदा है, फिर कन्ना तो सुनिया नहीं जांदा। ते जे किते निंदिया दी कोई गल किसी दी चल दी होवे ना, लखां कम्मां दे विच किरिया होवेगा उत्थे ही छड्ड देवेगा भी पहला पूरी गल मेरे कन्न विच पै जावे। रस रचियो, हजूर कहन लगे केड़ी खोटी मत लई फिरदा है, निंदिया दे रस विच पिया होया। दो कर्म तेरे अपनाए ने, पराया रूप तका, माड़े बोल सुना, इसे रसा दे विच तुरिया फिरदा। मैनू एक इतिहास दा वाकिया चेते आया, जरा आप जी नाल सांझा करदा, ध्यानपूर्वक सरवण करन वाला है भाई, भी गुरु अपने फिर सिख दी पत किवें रखदा है। औरंगजेब बादशाह ने गुरु कलगीधर पातशाह दे नाल दगा कीता है, पर मारिया गया जी। जफरनामे दे सदका पातशाह ने उन्हों फतेह दा खत लिख के मारता जी। उदे पुत्रां विच जंग चल पिया, वड्डा पुत्र है जी तारा आजम, जिदे कोल 22.5 लाख फौज है, छोटा है बहादुर शाह, जिदे कोल सारी 2.5 लाख फौज है। पर बहादुर शाह ने गुरु कलगीधर पातशाह दा आसरा लिया जी, गुरु साहब ने ऐसी सहायता की, मैदाने जंग दे विच तारा आजम दे सहत इहदे 14 उमराव वड्डे जरनैल मारे जी पातशाह ने। यह कह लो बहादुर शाह की जित होई। फिर मरीद बनिया गुरु साहब जी का, भी सच्चे पातशाह ने मेरी सहायता की थी। गुरु कलगीधर पातशाह सिख संगतां नूं तारदे होए जदों हजूर साहब वल जा रहे ना, नादेड़ वल जा रहे, ये तकरीबन आगरे दे नेड़े दी घटना है जी। बहादुर शाह भी गुरु साहब जी दे सजे हुए दीवान विच दर्शन करन आया, दर्शन कर रहा, कीर्तन चलदा है, सिख संगतां आउंदियां ने पातशाह नूं नमस्कार करदियां ने, ते परे दवान विच बैठ के गुरु की बाणी गुरु साहब जी दे बचन सिख संगतां सरवण कर दिया। एक सिख दे नाल उदी नौजवान बीबी कुड़ी आई जी, ते दर्शन कीते। हुण सिख संगतां बहुत आईयां होईयां करके ना हाल भरिया पिया सी, गुरु साहब जी दे कोल दीवान जिथे सजिया उथे बहन नूं थां नहीं सी, भरिया होण करके थां गुरु साहब जी दे कोल ही बहादुर शाह भी बैठा है। अर वेखो दुनिया दे सारे धर्म सन्मान योग ने, कोई निरादर योग नहीं है, पर जिन्नी वड्याई इस दर दी है नहीं किसे दा कोई मुकाबला जी, नहीं इहदे दर दीआं वड्याईआं दे बराबर कोई वड्याईआं दे सकदा। हुण दीवान सजिया होया, सिख संगतां बहुत बैठियां, नौजवान लड़की बजुर्ग गुरसिख दे नाल पातशाह दे दर्शन करन आई। हुण बहन नूं थां कोई नहीं, गुरु साहब जी दे नज़दीक जिथे को बहादुर शाह बैठा है ना, उथे को दो जणियां दे बहन दी थां सी, ते ए दोवें गुरसिख प्यो धी बिना खौफ तो जी कोल जाके बह गए।
कोल बैठे ने, प्योती बैठे ने, कोल ही बहादुर शाह बैठा है, कोल ही गुरु कलगीधर पातशाह जी तख्त पर विराजमान ने। सिख न कोई खौफ नहीं, उहदी बच्ची न कोई खौफ नहीं कि दीन दुनी दे पातशाह दी शरण विच बैठे हाँ, गुरु पिता जी दे कोल बैठे हाँ, कादा डर है इत्थे। हुण ध्यान नाल सरवण करिया जी की होया। बहादुर शाह ने जो नौजवान सिख बच्ची नू वेख्या ना, मन विच उहदे पाप पैदा होया। पाप की होया? पारदारा जो अज विचार चल रही है, उहदे मन विच मैल पैदा होई, पाप पैदा होया। भी इन्ना सोहना स्वरूप है इहदा, इन्नी सुंदर लड़की है, गां मन दियां होर मैल ताइयां मन विच आउण लग पईआं, ते मुड़ मुड़ के बच्ची वल मूँह कर करके उहदी सुंदरता नूं वेखे। लड़की दा बाप उहदे कोल बैठा है, ताड़ उह वी गिआ। आखिर प्यो ने उमर लंघाई है सारी, बजुर्गी हालत विच आया है, बजुर्गां दे कोल तजर्बा बड़ा हुंदा है। ताड़ हो भी गया सिख भी ये यार बहादुर शाह हुण माड़ी निगाह नाल मेरी धी वल वेख रहे है, कुछ ना बोलिया सिख। कारण ना बोलने दा, गुरु कलगीधर पातशाह दे कोल बैठे आ, गुरु पिता दे कोल बैठे आ, इन्ना बेखौफ है कम। हुण बहादुर शाह दे मलीनताई वध ही जावे, माड़ी मत सोच वध ही जावे, मुड़ मुड़ के वेखन लग पिया जी। जिथे लड़की दे बाप दा ध्यान उहदे वल जा रहा है, उत्थे होर सिख भी इस चीज़ नूं नोट करन लग पए कि बहादुर शाह दी हुण नेत्र मैल नाल भरे होए ने, ते माड़ा पिया तकदा है। दीवान दा माहौल बहादुर शाह ने बदल के रखता जी। जिथों तक सिख संगतां दा ध्यान गया, सारिआं नूं नोटिस हो गया भी बहादुर शाह जी ना नेत्र मलीन होए पए ने। गुरु कलगीधर पातशाह कहण लगे, बहादुर शाह जदों गुरु पीरां दी शरण विच आईदा है ना, उदों ना भाओ भगती हिरदे विच लैके आईदी है। इहो जे विकारां वास्ते ते होर भी थावां बड़ियां ने, पर जदों किसे गुरु पीर दी शरण आईए, उदों भाओ भगती हिरदे विच लैके आई दी है। शर्म आई जदों पातशाह ने बचन आखे, पर मन विच मलीनताई एडी भरी पई है, वह साफ ना होई। गुरु कलगीधर पातशाह कहन लगे, बहादुर शाह साडा हुक्म मन, उठ के आपदे महलां वल नूं चला जा, असी आप तेरे कोल इस बच्ची नूं भेजांगे। भरे दीवान विच पातशाह ने गल कहती जी, तू उठ के चला जा, तेरे मन विच हुण विकार परिपूर्ण ने, जा उठ के चला जा, तेरे महलां विच बच्ची आप भेजांगे। बहादुर शाह उठ के चला गया। हुण लड़की दा बाप पैरी डिगे पातशाह दे, सतगुरु तुसी आ की बचन कहता जे, महाराज असी तुहाडे सिख, ये मलेश मुसलमान महाराज माड़ी दृष्टि इत्थे पाउण रिहा है, ते मेरी बच्ची नाल विकार भोगेगा, सतगुरु तुसी की आखिया, असी आप भेजांगे। सतगुरु कहन लगे, सिखा गुरु के दर आउण वाला हर सिख हर सिखनी गुरु दा पुत अर धी हुंदे ने। जिहड़ा भी गुरु दे दर ते आ जांदा है, ते जिहड़ा भी आ जांदा है ना, गुरु नूं आपदा पुत्तर धी बना लैंदे ने। इह कल्ली तेरी धी नहीं है, इह साडी धी है। तेरी ते शरीरक धी हो सकदी है, साडी इह इज्जत है गुरसिखी दी। ते जे असी बचन आखिया है ना भी तेरे कोल कुड़ी धी भेजांगे, ते फिर असी राखी भी करनी जानते हैं,
तू फिक्र ना कर, असी राखी भी करनी जानते हैं। सिख नूं हौसला होया, चलो ठीक है महाराज, तुसी दीन दुनी दे पातशाह हो, जो कहंदे हो ठीक ही कहंदे हो। हुण जिन्नियां संगतां दीवान विच बैठियां जी, सारियां इस गल्लों हैरान भी ने भी महाराज ने कहा है लड़की आप भेजांगे, ये हुण बनेगा की होवेगा की। बहादुर शाह नूं खुशी हुई बाली जी, वो तो महलां विच जाके तैयारी पिया करे भी लै भाई अज ते गुरु कलगीधर पातशाह जी आप भेजणगे लड़की नूं। उन्हें त्यां तैयारी कर रखी जी। गुरु कलगीधर पातशाह कहन लगे लड़की नूं कोल बुला के, पुत्तर साडा बचन मन, उठ दीवान विच्चों जा बादशाह दे महलां विच जा, पर साडा बचन ध्यान नाल सुनी। जदों तू शाही दरबार दे गेट ते पहुंचेगी ना, दो बब्बर शेर तेरे सज्जे अर खब्बे आण के खड़ो जाणगे। पुत्तर तू डरना नहीं, दोवें शेरां दे तैं फड़ लैणे ने कन्न, दोवां ने तेरे कोल खड़ जाणा। कन्न पकड़ के जिवें जिवें अगे तुरी जाएंगी, शेर तेरे बराबर तुरे जाणगे, ते तू रुकना नहीं। जितनी देर तक बहादुर शाह बादशाह तेनू आप ना आखे तू मेरी भैण है, तू खड़ जा, तू रुकना नहीं पुत्र। हुण सारियां संगतां भी हैरान भी मारे कौतक बड़ा तगड़ा करन लगे ने। उधरों जी बहादुर शाह तैयारी करी जावे, लै भई भी अज तां आनंद आउणगे। लड़की ने बचन मन्निया, जा पहुंची जी महलां दे दरवाजे मूहरे। सतगुरु ऐसी कला वरताई, दो बब्बर शेर आण खड़ोते, एक गुर इतिहास दा जिक्र है। बच्ची ने जी एक सज्जे हथ नाल फड़ लिया, एक खब्बे हथ नाल फड़ लिया, शेरां दे कन्नां नूं फड़ लिया, अगे दी अगे तुरी जावे। बादशाह दियां सवेर तो निगाह लगियां सन, शामा हो आईयां सन। जदों दूरों वेखे बब्बर शेरां नूं फड़ी आउंदी है बच्ची, त्राह निकल गए बहादुर शाह दे, इन्ने त्राह निकले त्रेलियां आउण जी बहादुर शाह नूं। आपदे सिपाहियां नूं आखे ओ रोको, उहनूं जाके बब्बर शेर फड़ी आउंदी है, मैनूं ते खा जाणगे शेर, ते बला बड़ी तकड़ी आउंदी मेरे वल तुरी। हुण सिपाही किवें मूहरे होण जी, बहादुर शाह नूं पसीने आउण, बुरे हाल पए। फिर उहनूं एक तरतीब एक सकीम सुझी है, आपदे खजाने मंत्री नूं आवाज मारी, कहन लगा गल सुण, अपने खजाने विच जिहड़े महंगे महंगे हीरे ने ना, भज के उन्हां दा थाल भर के लैके आ। थाल भर के ले आया जी, अपने हत्थां विच बहादुर शाह ने वह थाल पकड़िया, ते दूरों उस बच्ची नूं आवाज दित्ती, तू मेरी धर्म दी भैण है, किरपा कर इत्थे ही खड़ो जा, इत्थे ही खड़ो जा, मेरी धर्म दी भैण है, मेरे मन दे विकार खत्म हो गए ने, मेरी जान बख्श दे, तू मेरी धर्म दी भैण है, इत्थे ही खड़ो जा। आ तुसी भैण मेरे महलां विच आए हो, आ तुहाडे वास्ते मैं भेटा देना। आपदे एक नौकर नूं सिपाही नूं थाल फड़ाया, डर बड़ा लगदा भी जे कोल गया शेरां ने मैनूं खा लैणा है, बब्बर शेर ने। हुण सिपाही भी बेचारा डरदा डरदा पहुंचिया जी लड़की दे कोल, थाल पकड़ाया। उस बच्ची ने गुरु कलगीधर पातशाह नूं याद कीता, हीरा मोतियां वाला थाल आपदे सिर ते रख लिया जी, वापस तुरी आ रही है। जदों दरवाजे ते पहुंची, दोवें शेर एकदम गायब हो गए। गुरु साहब जी की कला ऐसी वरती, ते भरे दीवान विच सिख संगतां ने जदों ये वेखिया भी गुरु साहब एडी महान किरपा कीती, सभना ने चरना पर शीश झुकाया, सच्चे पातशाह
जो आप जी मुख तो बचन कहंदे हो फिर पूरे भी करके विखाउंदे हो। जे सिख नूं पुत्तर अर धी बनाउंदे हो ते उहदी पत आबरो दी राखी भी आप करदे हो। ऐसा खालसा बनाया, ऐडा सन्मान देंदे ने गुरु साहब, जे गुरु साहब नूं समर्पित हो जाइए। ते हजूर धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज फरमा रहे ने, बंदिया तू कर्म की धारी फिरदा है, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नह कीनी। जेड़ा परमात्मा रमिया होया है ना कण कण दे विच, उस रमे हुए परमात्मा दी बंदगी तू करदा ही कोई नहीं। एहो जे माड़े लक्षण पिया कमाउणा है, माड़े कर्म पिया कमाउणा है, तेनू लेखा देना पैणा है। याद करिया कर उस परमात्मा नू, उस सच्चे परमात्मा नू, रब नू, जिने ए लोक विच भी तेरी सहायता करनी है ते परलोक दे विच भी जिस वाहिगुरु ने तेरी बांह फड़नी, याद करिया कर उस वाहिगुरु नू। सो इत्थे भाई विश्राम देने, सतगुरु कृपा करन, समूह संगतां दियां दर हाजरियां प्रवान होण, विचारां करदे आं, बेअंत प्रकार दियां गलतियां भुलना हो जांदियां ने, संगत अर गुरु महाराज बख्शनियां जी। राम कले महला तीजा आनंद।